100% सैलरी बीवी को देने पर 10% प्यार आपको मिलता है, और 10% सैलरी दूसरे के बीवी को देने पर 100% प्यार मिलता। फैसला आपके हाथ। बीवी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करने में लग जाता है। पत्नी से सच्चा प्यार वही करते हैं जो उन्हें मटर छील के दें, उनकी मेथी साफ करवाएं, धनिया साफ करवाएं, ठीक है ना। ये बाकी चांद तारे तोड़ना, ये आसमान में छेद कर देना, चांद गोद में ले आना, ये बेकार की बकलोलियां हैं, कुछ ना रखा इन। अगर आपकी पत्नी ज्यादा किर किर करे, मगज खराब करे, दिमाग खराब करे, तो उठाओ चप्पल और पहनकर बाहर निकल जाओ। आप क्या सोच रहे थे? जो सोच रहे थे उसके लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। लूट के न जाओ मेरी जान, पास मेरे आओ मेरी जान, मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले। क्या बनाएगी? जो आप बोलो। दाल चावल बना ले, अभी सुबह ही तो खाए थे। तो रोटी सब्जी बना ले, वो मेरा मन नहीं है। तो छोले पूरी बना ले, फिर रात को छोले पूरी कौन खाता है। तो खिचड़ी बना ले, बीमारों वाला खाना। जो मेरी जुल्फों से खेल रे, बाहों में मुझको ले ले रे। दिल धड़काऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा। और सिर्फ दाल बनाऊंगा, लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा। ज्यादा ध्यान उसी पे दो जिसे ब्याह के लाए हो, उस पे नहीं जिसे पड़ोसी ब्याह के लाए हो। मेरे बाबू ने चाय पी ली। क्यों, बड़ी जल्दी है क्या बर्तन धोने की? न स्विगी न जोमेटो, जो घर पर बने उसे ही लपेटो। दाल रोटी खाओ, पत्नी के गुण गाओ, नहीं तो भूखे ही सो जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कपड़े धो के आ रहा हूँ। कैसे ऐसे? मार्केट कब जाओगे? अभी थोड़ा रुक के जाऊंगा। जब आप मार्केट जाओ तो इस साड़ी के कलर का एंटी कोरोना मास्क ले आना। सुनो, मुन्ना रो रहा है, इसको पहले आके चुप कराओ। एक काम करो, या इसको संभालो, मैं दहेज में नहीं लेके आई इसको। रो साले रो, मैं कौन सा तेरे को बरात में साथ लेके गया था। रो। हेलो सर, दफ्तर कब खुलेगा? अरे भाई, एडवांस सैलरी और तुम्हें महीने का राशन भेज दिया, अब तुझे किस बात की जल्दी है? सर, मेरी बीवी ने मुझसे बर्तन दिलवा लिए, कपड़े दिलवा लिए, घर की सारी सफाई करवा ली, बेडशीटें दिलवा ली, अब तो मेरे हाल पे रहम करो।